हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। रॉकेट इज फायर्ड अपवर्ड, तो एक रॉकेट है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो अर्थ के सरफेस से, सच दैट इट क्रिएट्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। देखिए, अब आपको पता ही है कि जब रॉकेट को ऊपर फायर किया जाता है तो उसकी अपनी एक्सेलरेशन होती है, क्योंकि वो ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी चेंज होती है, अचानक वेलोसिटी जीरो से बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन हो रही है, तो वो एक्सेलरेशन हमें 19.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है। वो कहता है आफ्टर 5 सेकेंड्स इंजन बंद कर दिया गया, तो भाई इंजन बंद कर दिया गया 5 सेकेंड बाद, तो मैक्सिमम हाइट बताओ रॉकेट की अर्थ सर्फेस से। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे हैं हम, कि मान लीजिए हमने ये रॉकेट बनाया, राइट, आप लोगों को दिख रहा है, ओके, तो ये रॉकेट बनाया, रॉकेट इनिशियल वेलोसिटी तो रॉकेट की जीरो थी, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कब तक? एक पर्टिकुलर हाइट तक, राइट। तो ये हमारे टाइम दे रखा है यहां तक 5 सेकेंड, कि 5 सेकेंड तक मान लीजिए वो इस हाइट पे पहुंच गई, इसको हम H1 हाइट मान लेते हैं। अब H1 हाइट तक उसकी अपनी एक्सेलरेशन है, लेकिन अब क्या होगा, इंजन बंद हो गया, इंजन बंद हो गया तो उसकी वेलोसिटी तो अब भी ऊपर की तरफ होगी, तो रॉकेट जो है जा तो वो ऊपर की तरफ रहा है, अब वेलोसिटी हम निकाल लेंगे कि कितनी वेलोसिटी हुई, लेकिन अभी भी वेलोसिटी है तो ऊपर ही की तरफ। अब क्या होगा, यहां से यहां तक तो एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 19.6 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रही थी तो पॉजिटिव थी, लेकिन जैसे ही इंजन बंद हो गया अब एक्सेलरेशन लगेगी अर्थ की, और अर्थ की एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लगती है, नीचे की तरफ, तो अब वेलोसिटी क्या होगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, ये नीचे की तरफ, जबकि ये वाली एक्सेलरेशन कहां लग रही थी, ऊपर की तरफ, राइट। अब क्या होगा, ये वाली एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगी तो एक टाइम आएगा जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और ये वेलोसिटी जब जीरो होगी तो ये वाली हमारी हाइट H2 इतना और ऊपर जा चुका होगा, तो जो टोटल हाइट वो जा चुका होगा वो क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2, और यही हाइट हमें निकालनी है। तो देखिए, द मैक्सिमम हाइट ऑफ द रॉकेट फ्रॉम अर्थ सरफेस वुड बी, राइट। तो ये बेसिक हो गया। अब सबसे पहले देखते हैं कि वेलोसिटी, जो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, तो जो केस वन होगा वो हमारा ए से बी हम ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ए से बी, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या दे रखी है, ए से बी जीरो, टाइम पीरियड हमें क्या दे रखा है 5 सेकेंड, और इसके बीच में जो एक्सेलरेशन दे रखी है वो कितनी दे रखी है 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो इसमें हम अपनी फाइनल वेलोसिटी भी निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट या हाइट भी निकालेंगे, राइट, जिसे हम H1 कह रहे हैं, दोनों निकालेंगे। तो दोनों कैसे निकालें, ध्यान से देखिए, पहले तो ऊपर वाली चीज अगर तीनों देखते हैं तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन लग जाती है, तो V इज इक्वल टू यू प्लस एटी लग जाएगा, तो V1, U1, A1, T1, तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, U1 क्या हो गया जीरो, एक्सेलरेशन 19.6 क्योंकि ऊपर की तरफ लग रही है, टाइम 5 सेकेंड्स, तो इसको 5 6 30, जीरो कैरी ऑन 3, 45 48, और 5 48 कैरी ऑन 4, 5 1 5, तो 98 मीटर पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी आ गई। सिमिलरली हाइट निकालेंगे, तो हाइट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, S1 को ही हमने H1 मान रखा है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई तो जीरो में नहीं लिखा मैंने डायरेक्टली, 19.6 इंटू में टाइम क्या हो गया 5 का स्क्वायर, तो इसको माइनस करेंगे तो 9.8 आएगा और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 8 200 होता है, तो जीरो और कैरी ऑन 20 और 25 9 225 होता है, 225 और 20 245, और पॉइंट आ जाएगा क्योंकि एक पॉइंट यहां पे था, तो आंसर आ जाएगा H1 इज 245 मीटर, तो H1 हमारा क्या आ गया 245 मीटर। तो हमारा पहला केस आ गया कि H1 की हाइट आ गई हमारी और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो आ गई हमारी, राइट। नाउ अब केस टू देखते हैं, केस टू बी से सी, तो ध्यान से देखिए, बी से सी में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी बी की, जो ए बी की फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, तो वो कितनी आ गई थी 98 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब इंजन बंद हो गया तो फ्री फॉल लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी अब इस केस के अंदर, तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर जब सी पॉइंट पे पहुंचेगी बॉडी, जो रॉकेट पहुंचेगा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी,
तो हेंस फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो, और डिस्प्लेसमेंट जो एच टू होगी, जो एच टू हमें निकालना है, ध्यान से देखिए इसमें टाइम की कोई बात नहीं कर रखी क्योंकि उसने टाइम पूछी भी नहीं, उसने मैक्सिमम हाइट पूछा है। तो हेंस एच टू इज इक्वल टू सॉरी टू ए एच टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये सब टू हो जाएगा। तो 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हमारी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी 98 का होल स्क्वायर। तो हेंस क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, तो 2 इंटू 9.8 माइनस का इंटू में एस टू इज इक्वल टू माइनस 98 का स्क्वायर, देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो एस टू कितना आ गया 98 इंटू 98 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो 98 से 98 कट गया, इसको काटेंगे तो ये 49 आ जाएगा, तो हेंस एस टू कितना हो गया 490 मीटर, राइट। तो टोटल हाइट, इसी एस टू को हमने एच टू लिया था, इसी एस टू को एच टू लिया था, तो टोटल हाइट जो आएगी हमारी वो आ जाएगी एच वन प्लस एच टू, राइट, एच वन प्लस एच टू। तो H1 कितना आया 245 प्लस H2 कितना आया 490, तो 0 और 5 5, 4 और 9 13, 3 कैरी ऑन 1 और 7 35 मीटर, राइट। एंड दिस इज आवर आंसर। अगेन मैं एक बार बता देता हूं कि क्या किया है, एक बार जल्दी से। तो इसमें क्या था, एक रॉकेट के बारे में दिया गया था कि एक रॉकेट है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और उसको हमने प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ। तो जब प्रोजेक्ट किया तो हम इंजन में फ्यूल वगैरह देते हैं, तो वो एक्सेलरेट किया 9.8 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ, 5 सेकंड तक वो एक्सेलरेट किया, तो 5 सेकंड तक वो एक हाइट पे भी गया होगा और उसकी फाइनल वेलोसिटी भी हुई होगी। इसके बाद उसने इंजन बंद कर दिया, तो अब वो फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर आ गया, तो वो 9.8 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ हो जाएगी। तो हमने फाइनल वेलोसिटी निकाली जो ए से बी, जब तक इंजन बंद नहीं हुआ था तब तक, तो हमारी 98 मीटर पर सेकंड आई, और कितना हाइट ट्रेवल किया तो 245 मीटर। अब उसके बाद बी से सी हमने केस लिया और उसके अंदर हमने देखा कि कितनी हाइट तक पहुंचेगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जब सी पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस करके हमने ये डिस्टेंस निकाल लिया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हम इसके अंदर यहां निकाल चुके थे, क्योंकि ए बी का जो फाइनल वेलोसिटी होगी वही बी सी की इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो यहां से जब हमारा निकला तो 490 मीटर निकला, और जब हम दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आ गया 735 मीटर, एंड दिस इज आवर आंसर। दिस क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, दिस इज द सेम क्वेश्चन एज वी हैव डन इन दिस क्लास, लगभग सेम है, बस इसमें टाइम निकालना है, राइट। तो अगली क्लास में मिलते हैं। इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर सकते हैं फोटो क्लिक करके, प्लस आपको इस क्वेश्चन जो अभी करंट हमने क्वेश्चन कराया है उसमें भी अगर कोई दिक्कत आए तो वो भी आप बताइए, और नहीं दिक्कत आई तो भी आप बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, राइट। तो मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज कीप कमेंटिंग कि आपको वीडियोज कैसे लग रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो आने तक लर्न करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन दबाएं और दोस्तों में हल्ला गाएं।